षोलोई डिसेम्बर महान विजय दिवस बांगलार जातिर जन्नो एक चिरस्मरणीय दिन बांगलार इतिहास से दिन की स्वर्णाक्षरे लेखा थाकबे। से दिन वीर सेनानी मुक्तियोद्धारा मात्र 9 मासेर मध्य पाकिस्तान हानादार बाहिनी के पराजित करे बांग्लादेश के स्वाधीनता एने दिए छिलो। आर से स्वाधीनता युद्धेर नेतृत्व दिएछिलेन जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान। आमिओ आजकेर एई दिने ताके श्रद्धा भरे स्मरण करछि। स्मरण करछि जे सकल मुक्तियोद्धारा शहीद हयेछेन। स्मरण करछि 30 लक्ष मा बोनेर रक्तेर बिनिमये जे स्वाधीनता एनेछिलो। आसले एई दिनटी आमरा जातीय भावे भावपूर्ण कोन अवस्थाय आमरा एटा दिनटी पालन करे थाकि। एटा आसले एई दिनटी आमादेर बांगाली जातिर जन्य एकटा खुशिर दिन, एकटा आनंदेर दिन। एई दिने आमरा प्रति बछरई आमरा मुक्तियोद्धाদের स्मरण करछि एबं आमादेर जे नतून प्रजन्म ताराओ किन्तु एई दिनटीके खूब आनंदेर साथे तारा पालन करे थाके। आमी नतून प्रजन्मेर प्रति आमी आह्वान करब तोमरा ए देशेर इतिहासके सुंदर करे बुझो, जानो प्रतिटि जातीय दिवसके तोमरा सुंदरभावे बुझे शुने देशके भालोबासो। कारण स्वाधीनता जे कत बड़ जिनिस एटा जारा पराधीन आछे ताराई मात्र बुझते पारबे, बुझतेछे तारा जे स्वाधीनता कत बड़ जिनिस। एक स्वाधीन देश आमरा पेयेछि बोलेई आज के बुक भरे बांगला भाषा कथा बोलते पारछि। यदि आमरा ए स्वाधीनता ना पेतम आमरा पाकिस्तानीदेर अंडारे आमरा कोनोदिनो आमादेर बांगला भाषा के प्रतिष्ठित करते पारतम ना, सारा जीवन आमरा पराधीन होये थाकतम। ताई ए स्वाधीनता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बांगाली जातिर जन्य। सर्वोपरि ए स्वाधीनता पेयेछि बोलेई आमरा आज के आमादेर बर्तमान प्रधानमंत्री जातिर जनक बंगबंधुर कन्या शेख हासिनाके पेयेछि एबं उनी आमादेर देशके जेभाबे विश्वेर बुके उन्नत देश हिसाबे परिचित दिएछेन एई दिन एइजन्य आमी आमार पक्ष थेके एबं देशबासीर पक्ष थेके उनाके कृतज्ञता जानाई एबं आल्लाहर काछे दोआ प्रार्थना करी उनी जेन दीर्घजीवी हये एई देशके একটি উন্নত দেশ হিসাবে পরিণত করে, এটাই আমার প্রত্যাশা। 16 ডিসেম্বরে মহান বিজয় দিবস, 16 ডিসেম্বর উপলক্ষে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী পুরা এলাকাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং উনি আমার এলাকাটাকে যেভাবে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রেখে উন্নয়ন করছে আমি ওনারও দীর্ঘায়ু কামনা করি। উনি যেমন দীর্ঘজীবী হয়ে নয়া আসনকে একটি ঢাকা শহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন হিসাবে পরিণত করে, এই প্রত্যাশা রাখছি আমার মাননীয় সচিব সাবের হোসেন চৌধুরীর কাছে।